नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृ है आपसे बात कर रहा हूँ अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृ के माध्यम से। क्लेम पर यूं तो मैंने कई वीडियो बनाए हैं, लेकिन क्लेम एक ऐसा मुद्दा है, क्लेम एक ऐसा मंत्र है, क्लेम एक ऐसा चमत्कार है जिस पर अगर मैं आपको वीडियो बनाकर देता रहूं तो आप उन्हें देख देख कर थक जाएंगे, नित नई बात उसमें से आपको मिलेगी। लेकिन मेरे अफसोस का ठिकाना नहीं रहता जब मैं लोगों के मुंह से सुनता हूं कि हमें क्लेम चाहिए, हम क्लेम की दीक्षा लेना चाहते हैं। और जब मैं उनसे ये पूछता हूं कि आखिर भाई तुम क्लेम क्यों लेना चाहते हो, क्लेम क्यों करना चाहते हो, किस कारण से, कोई एक कारण मुझे बता दो जिसकी वजह से तुम क्लेम की दीक्षा लेना चाहते हो, तो मुझसे कहते हैं कि मैं किसी लड़की को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, मैं अमुक स्त्री को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, मैं किसी पुरुष को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कितनी क्षुद्र, कितनी छोटी मानसिकता की बात है, एक महान मंत्र, एक महान शक्ति के साथ कितना गहरा विद्रोह, कितना गहरा मजाक है। मुझे इस बात का अफसोस होता है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्लेम आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो सब कुछ आपको क्लेम से प्राप्त हो सकता है। लेकिन आप हैं कि अपनी क्षुद्रताओं को त्यागना नहीं चाहते, आप अपने छोटे विचारों को हटाना नहीं चाहते, आप विराट से जुड़ना ही नहीं चाहते। क्योंकि एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आपको जीवन में तीन चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज है शक्ति, चाहे वो आत्मिक शक्ति हो, चाहे शारीरिक शक्ति हो, आध्यात्मिक शक्ति हो, सबसे बड़ी हमारी आत्मिक शक्ति होती है, जिसको डेवलप करने में क्लेम का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि क्लेम महाकाली का बीज मंत्र है जो कि समस्त शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी है। दूसरी चीज है संतुलन, इसे हम बैलेंस कहते हैं। अगर आपके जीवन में संतुलन नहीं है तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो भी आपके लिए आवश्यक है और वो भी आपको क्लेम से ही प्राप्त होगा। क्योंकि क्लेम भगवान श्री कृष्ण का, जिन्हें हम योगेश्वर कृष्ण भी कहते हैं, जिन्होंने समता योग दिया गीता में, उनका ही बीज मंत्र है, तो उसके अधिष्ठाता वो है। और तीसरी चीज है आकर्षण। आकर्षण का मतलब है कि आपकी बातों को कोई सुने, उनसे प्रभावित हो, उन बातों को कोई माने। उसके अधिष्ठाता भगवान श्री कामदेव हैं, उनका बीज मंत्र भी क्लेम है। आप मुझे देख लीजिए, आप मेरा उदाहरण देखिए। अभी इस चैनल को 2 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं और आज ये चैनल कहां पर है। क्लेम की ही ये महिमा है, ये क्लेम की कृपा है कि ये चैनल आज अपने विशिष्ट ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। धीरे धीरे हजारों लाखों की तादाद में लोग इससे जुड़ रहे हैं और मुझसे बात कर रहे हैं क्लेम को लेकर के। तो मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं, ये बताना चाहता हूं कि क्लेम किस प्रकार से आपके मेंटल सेटअप को, आपके मानसिक संतुलन को ठीक करता है, किस प्रकार से आपके अवचेतन मस्तिष्क को एक्टिवेट करता है। जिस प्रकार जब कभी आप क्लेम को पूर्ण रूप से दीक्षा लेकर, चाहे वो दीक्षा मुझसे लें या जिससे भी आपको लगता है कि ये योग्य व्यक्ति है, इसे दीक्षा लेनी चाहिए,
तो उससे दीक्षा लें, मुझे इस बात की कोई हट नहीं कि आप कहाँ से दीक्षा लेते हैं, लेकिन समझ लीजिए चीज़ों को, विधियों को समझ लीजिए, उन परंपराओं को जान लीजिए। किसी मंत्र को करने से पहले आपको उसका पूरा विज्ञान पता होना चाहिए कि उस मंत्र को हम किस प्रकार उच्चारण करेंगे, किस तरीके से अपने जीवन में उसे उतारेंगे, और क्या सोचेंगे जब हम उस मंत्र को कर रहे हैं, क्या विचार हमारे दिमाग में होने चाहिए या कि कुछ नहीं होना चाहिए, हम क्या अपेक्षा करके उस मंत्र को करें, ये सारी चीजें जान लेने वाली हैं। क्योंकि अगर आप उस मंत्र को कर रहे हैं जो एक महामंत्र है और आपके मन में एक हीन विचार पल रहा है, तो यकीन मानिए कि उसकी वजह से उस मंत्र की शक्ति में कमी होती है, उसकी वजह से उसकी ऊर्जा में कमी होती है। क्योंकि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो आपके नकारात्मक विचार हैं, वो धीरे 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 उस मंत्र की ऊर्जा जो आपको प्राप्त हो रही है उसको कम करते हैं। आप देखिए, एक बात ध्यान रखें कि मनुष्य क्या है, मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, मनुष्य क्या है, मन, माइंड, मनुष्य माइंड है, मस्तिष्क है, और मस्तिष्क में हर समय विचार उत्पन्न होते हैं। वो विचार हमेशा किधर आपकी ऊर्जा को ले जाते हैं, बाहर की तरफ, आपके विचार आपकी ऊर्जा को बाहर की तरफ ले जाते हैं। आपकी ऊर्जा हर क्षण हर पल निरंतर बाहर की ओर बह रही है लगातार। और आप अपने अनर्गल विचारों से ऊर्जाहीन हुए जा रहे हैं, आपके विचार थम नहीं रहे, आपके विचार रुक नहीं रहे, उन विचारों से आपके अंदर की ऊर्जा भी बाहर जा रही है। मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, निरंतर एक संकल्प, एक विकल्प, एक अच्छा एक बुरा, कभी आप सोचते हैं ऐसा करना है, कभी आप सोचते हैं ऐसा करना है, वो सारे विचार आपकी ऊर्जा को बाहर की ओर ले जा रहे हैं। और क्लेम जिस समय आप करते हैं, तो क्लेम आपको बाहर की ऊर्जा से परिचित कराती है, उस ऊर्जा को आपके अंदर लाती है, आपके मस्तिष्क में उस ऊर्जा को प्रवेश करा देती है। तो आपको चाहिए कि आप अपने संकल्प पर दृढ़ रहें। एक संकल्प कोई मन में ले लीजिए कि ये संकल्प मुझे करना है। किसी स्त्री या किसी पुरुष को आकृष्ट करना बुरा नहीं है, लेकिन आप उसके साथ क्या संबंध रख करके, क्या सोचकर आप ऐसा करने जा रहे हैं। अगर आप एक प्रणय सूत्र बंधन बंधने जा रहे हैं, एक उत्तम कार्य से कोई कार्य कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे, ये बात गलत है। तो आप चीजों का दुरुपयोग करना बंद कीजिए, आप चीजों को समझने का प्रयत्न कीजिए, आप विचारों के साथ अपना एकाकार बनाइए, संकल्प शक्ति को बढ़ाइए, उसमें क्लेम आपकी सहायता करता है। ऐसा नहीं कि क्लेम आपकी सहायता नहीं करता, लेकिन क्लेम जो है, अगर आप विचारों की ऊर्जा को बाहर बहने देंगे, लगातार लगातार आप बाहर की ओर सोचते रहेंगे, तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। ऊर्जा का ह्रास होने से आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जिनकी आपने कभी अपेक्षा की थी। दूसरी चीज ये है कि आप जिस समय क्लेम कर रहे हैं, चाहे वो मानसिक जप कर रहे हैं, चाहे वो माला के साथ मांत्रिक जप कर रहे हैं, माला के साथ जप कर रहे हैं, या फिर आप क्लेम नाद कर रहे हैं, तो आपको उस समय कुछ भी सोचना नहीं है, मस्तिष्क को खाली रखिए, किसी संकल्प विकल्प को उसमें उत्पन्न मत कीजिए, इधर उधर मत सोचिए, सिर्फ कीजिए। न ये चिंता कीजिए कि मुझे इसके रिजल्ट क्या मिले, परिणाम की चिंता मत कीजिए, सिर्फ आप उसे कीजिए। परिणाम जो रिजल्ट जो चाहत है वो तो आपके अवचेतन मस्तिष्क में पड़ी हुई है, वो तो स्वयं बाहर निकल आएगी, उसको निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप क्लेम से बहुत कुछ ले भी पाएंगे।
और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से एक नवीन ज्ञान से भर उठेंगे और नए सिरे से क्लेम को आप करने का प्रयत्न करेंगे। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आभारी हूं। मुझे कमेंट कीजिए, लिख कर दीजिए आप क्या चाहते हैं मेरे से, किस तरह की बातें करना चाहते हैं, और मैं उन्हीं बातों के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। एक बात मैं और आपसे जिक्र कर देना चाहता हूं कि बीच में ये हमारा चैनल किसी अवांछनीय तत्व के द्वारा हैक कर लिया गया था, जिसकी वजह से कुछ दर्शकों को, कुछ भाई बहनों को बहुत परेशानी हुई है। उस व्यक्ति ने अलग अलग नामों से, मेरे पुत्र के नाम से, मेरे भाई के नाम से, मेरे रिश्तेदारों के नाम से पैसे मांगे हैं, उनका शोषण भी किया है, उनको गाली गलौज भी की उनके साथ। मैं उन सभी दर्शकों से, उन सभी भाई बहनों से, अपनी ओर से, इस चैनल की ओर से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ कि हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। अब वो प्रक्रिया हमारी लगभग पूर्णता की ओर है, हमने UK में इसकी शिकायत भी दर्ज करा दी है, तो आगे आपको सुविधा नहीं होगी। सीधे आप मुझसे बात करें, जो मेरा फोन नंबर आता है, और तब कोई पैसे का ट्रांजेक्शन करें, जिससे कि आप परेशानी से बच सकें। नमस्कार, शुभ रात्रि।